और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महापुरुषों के नाम पूरे लिए जाएंगे, अब उनका अपमान प्रदेश में नहीं सहा जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर राज्य का नाम हिंदी में लिखा जाएगा, जल्द ही आदेश भी निकाला जाएगा। ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फूलबाग मैदान में एबीवीपी के 55वें प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन भी किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महापुरुषों के नाम पर जिन शहरों के नाम हैं उनका नाम पूरा लिखा जाएगा, जैसे ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज को MLB कहते थे और भोपाल में तात्या टोपे नगर को TT नगर कहा जाता था। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली वो देश को सही दिशा में नहीं ले गए हैं, भारत का विभाजन भी कर दिया है। एक के बाद एक बड़े फैसले होते चले जा रहे। मैं नाथ बीच पर भी इतना गया, कभी बंदे मातृ का उद्घोष नाथ बीच पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आज असम की तो छोड़ दो आप, नागालैंड मणिपुर मिजोरम कहीं भी चले जाओ, भारत माता की जय और बंदे मातरम के उद्घोष का उद्घोष हो रहा है।